देश भर में कैश की कमी से हर कोई परेशान है। शहरों में लाइन है तो गांव में भी है। हालांकि वो लोग थोड़ी राहत महसूस कर रहे हैं जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन से अपना गुजारा निकाल पा रहे हैं। गुजरात का एक गांव भी नकदी की परेशानी से पार पा चुका है क्योंकि वो देश का पहला डिजिटल गांव है। यह है गुजरात के साबरकांठा जिले का अकोदरा गांव, जहां शहरों में नोटबंदी के बाद बैंकों के बाहर अफरा तफरी का माहौल है, यहां जिंदगी अपनी पुरानी रफ्तार से चल रही है। गांव की दुकान में पीयूष पटेल घर के बच्चों के लिए नाश्ता खरीदने आए हैं। कैश की जरूरत नहीं है। देश के पहले डिजिटल गांव में स्वागत है। 10 रुपए की चीज मैं खरीदता हूँ तो मोबाइल में से मैं SMS कर देता हूँ तो वो खाता में से डिडक्शन हो जाएगा। ऐसी फैसिलिटी हमारे गांव में है। और ये डेयरी का पगार होता है, दूध डेयरी का जो दूध भराते हैं हम लोग, उसका पगार भी खाता में आता है। हम ATM से ले सकते हैं, बैंक में से ले सकते हैं। अभी छूटा मिल नहीं रहा है, लेकिन हमारे यहाँ ऑनलाइन ट्रांजेक्शन होता है, इसलिए हमको वो छूटे का प्रॉब्लम नहीं रहता है। ऑनलाइन ट्रांजेक्शन हमारा हो जाता है, मोबाइल से वो खरीद करने आता है, वो ग्राहक हमें को SMS से वो पैसा भेज देता है, वो हमारे खाते में आ जाता है। करीब 1.5 साल पहले एक प्राइवेट बैंक ने प्रधानमंत्री के डिजिटल इंडिया योजना के तहत इस गांव को गोद लिया और गांव की बस्ती 1500 में से 1200 के करीब वयस्कों के खाते खोल दिए। इन्हें ऑनलाइन ट्रांसफर की सुविधा मिल गई, स्मार्टफोन की भी जरूरत नहीं। सिर्फ जिसके अकाउंट में डालने हैं उसका नंबर डालकर रकम SMS करना है और फंड ट्रांसफर हो जाएगा। सभी को बेहद फायदा मिल रहा है। मोहन भाई पटेल रिटायर्ड शिक्षक हैं। पहले शहर में पेंशन के लिए पैसे लेने जाना पड़ता था, एक दो बार कुछ लोगों ने छीन भी लिया था। अब किसी बात का कोई डर नहीं है। पेंशन आता है तो जरूरत जितना पैसा ATM से निकाल लेता हूं और बाकी पैसे यहां की बैंक में ट्रांसफर करवा लेता हूं। बाकी का व्यवहार मोबाइल से ही है, बैंक को जमा कर दे भाई। यही नतीजा है कि गांव के इस बैंक का सालाना कारोबार 1.5 करोड़ रुपए के करीब है। आसपास के करीब 7 से 8 किलोमीटर के इलाके में ये इकलौता ATM है, इसके बावजूद यहाँ पर ज्यादा भीड़ नहीं है। जहाँ शहरों में बैंकों के बाहर लोगों की कतारें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं, वहाँ यहाँ ज्यादा भीड़ नहीं है। वजह है, अकोदरा देश का सबसे पहला डिजिटल विलेज है। यहाँ पर लोगों के ज्यादातर ट्रांजैक्शन कैशलेस हो चुके हैं, इसलिए लोगों को घरों में ज्यादा कैश रखने की जरूरत नहीं पड़ती है। वक्त आ गया है कि यहाँ का जो सफल एक्सपेरिमेंट है उसे देश के दूसरे हिस्सों में भी जल्द से जल्द रेप्लिकेट किया जाए, ताकि लोगों की दिक्कतें हैं वो कम हो सके। और अगर कैश नहीं रहेगा तो लोग खर्च भी कम करेंगे और लोगों की बचत भी ज्यादा हो पाएगी। अकोदरा से कैमरामैन प्रमोद के साथ राजीव, NDTV इंडिया के लिए।